यह तुम्हारा भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, जिस कारण प्रश्न रह जाता है। इसीलिए महत् पद आश्रय करके, महत् पुरुष के प्रति दृढ़ निश्चय, दृढ़ श्रद्धा रख करके, दृढ़ विश्वास रख करके आगे चलना पड़ेगा, तो जा करके वो आगे पहुंच सकता है, है ना। तो हरि नाम आश्रय करना, ग्रहण करना तो है ही है, ग्रहण करके फिर उसको आश्रय करके, माने हरि नाम ही जीवन का सार सर्वस्व है, ऐसे विश्वास लेकर के, महापुरुष के वाक्य को विश्वास करके, विश्वास लेकर के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर जाके धीरे 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 नाम की कृपा से अपने मार्ग में चल करके लक्षित स्थान पर पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं तो पहले हम नाम कर रहे हैं, हमको तो कुछ मिल नहीं रहा है, हमारा तो कुछ हो नहीं रहा है, तो उसमें मन विचलित हो जाता है, भरोसा खो जाता है, हम भरोसा कर नहीं पाते हैं, शायद हमारा कुछ हो नहीं पा रहा है, शायद हम आगे बन नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे संशय लेकर के आगे चलना ये ठीक नहीं है। जब शास्त्र कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, हरिन्नाम इव केवलम कलो नस्तैव 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 गतिरन्यथा, कलिजुग में केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, हरिनाम आश्रय करके हैं तुम वो परम पुरुष को प्राप्त कर सकते हो। हरिनाम ही कलिजुग में एकमात्र आश्रय, कलो नस्तैव नस्तैव गतिरन्यथा, कलिजुग में और कोई उपाय नहीं है, कोई अवलंबन नहीं है, केवल नाम ही आश्रय है। तो हमारे चैतन्य चरितामृत में नाम संबंध में कहें, नाम ही थे सर्व पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधनोद्गम, कृष्ण प्रमोद्गम प्रेमान्वित आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवान्वित समुद्रम। एक नाम हईते करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्तिपूर्ण नाम हईते हय, आनुषंगिक फले करे संसारे क्षय, चित्त आकर्षित करे कृष्ण प्रमोदाय। एक नाम ही करे सर्व पाप क्षय, जितना पाप है उसको, पाप वासना, पाप के मूल कारण है भीतर में वासना, प्रायश्चित्त नहीं, जो नाम के द्वारा प्रायश्चित्त करके हम पवित्र होते हैं, हम तो पवित्र करते हैं, नमस्त हो करके भूल भ्रांति हो जाए तो नाम तो उसको क्षमा कर देते हैं, लेकिन साधक को सावधान रहना चाहिए जो हमसे कोई भूल भ्रांति ना हो जाए, अशास्त्रीय कोई आचरण हमारे द्वारा, इस शरीर के द्वारा काय मन वचन से ऐसे कोई भ्रांतियाँ नहीं आ जाए, हमारा पतन ना हो, ऐसे सावधान रहना जरूरी है। फिर भी अगर कहीं भूल भ्रांति हो गया है तो नाम उसको क्षमा कर देते हैं, लेकिन जानबूझ करके अगर कहीं ऐसे अपराध करते हैं तो बोलते हैं, तो उसमें एक अपराध लग जाता है, नाम बल से पापाचारण, नाम के बल पर हम नाम ग्रहण करते हैं, हमारा पाप क्या है, तो पाप क्या करेगा, तो थोड़ा सा भूल भ्रांति हो गया या कोई प्रवृत्ति आकर के हमको भोग वृत्ति में लिप्त करने में मजबूर करती है, तो जीव प्रकृति के दास है, गुण की क्रिया है, गुण में फंसे हुए हैं जीव, भूल होना स्वाभाविक है, लेकिन नाम के बल पर पापाचरण, हम नाम करते हैं तो क्या थोड़ा सा भूल भ्रांति हो जाता है तो क्या होता है, थोड़ी अपवित्र हो जाएंगे, नाम है, नाम करते हैं, बोलते हैं नाम के बल पर पापाचरण, ये भयंकर अपराध है। अगर मान लीजिए भूल भ्रांति हो जाए तो बहुत दुखी होकर के, लज्जित होकर के बार बार क्षमा याचना करना चाहिए नाम के चरण में, हे प्रभु हमारे द्वारा ऐसे भूल हो गया है, रो रो करके अश्रु धारा से वक्षस्थल अभिषिक्त करके प्रार्थना करना चाहिए, दोबारा ऐसे भूल हमारे द्वारा ना, बहुत लज्जित होना चाहिए, बहुत संकुचित होना चाहिए, बहुत पश्चाताप होना चाहिए, अगर पश्चाताप नहीं होता है तो शुद्धिकरण होना संभव नहीं है। पहले साधक के मन में तो पश्चाताप होना बहुत जरूरी है, पश्चाताप के द्वारा ही उसको चित्त शोधन होता है, हम नाम करते हैं लेकिन हमारा कोई पश्चाताप नहीं, पूर्व कृतकर्म के लिए, वर्तमान कृतकर्म के लिए एवं भविष्य के लिए हमारे भीतर जो संकल्प विकल्प है उससे मुक्त होने के लिए हमारे भीतर कोई पश्चाताप नहीं, कोई जागरूकता नहीं, कोई उत्कंठा नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, ये लक्षण बहुत
अच्छा नहीं है, ये लक्षण बहुत खराब है। जब भगवत कृपा होती है, जब नाम की कृपा होती है, तब जाकर के तो पहले उसके भीतर एक जलन पैदा होता है, हाय 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 हाय, हमारा तो कुछ नहीं हो रहा है, हम नाम करते हैं, हमारे अंतकरण पवित्र नहीं हो रहा है, हमारे मन में अभी ये प्रवृत्ति, तो किस तरह से हम प्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर उसके मन में निसंकोच, लज्जाहीन, नहीं हम तो भजन करते हैं, हम तो साधु हैं, तो हमारा क्या नुकसान होगा, हम तो नाम आश्रय करके चल रहे हैं, नाम करते हैं हर समय, नाम रटते हैं, तो ये दुर्लक्षण है। नाम के बल पर पापाचरण या वैष्णवता के आधार पर हम ये अभिमान नहीं होना चाहिए जो हम सर्व पाप से मुक्त होकर के हम तो साधु हो गए हैं, हम निर्मल हो गए हैं, ऐसे नहीं, उसका पश्चाताप होना जरूरी है, एक जलन होगा। जब जगाई माधाई, जगाई माधा को उद्धार किया है महाप्रभु, तो बहुत दुष्ट थे, मुसलमान राज के समय दोनों दरबाल थे, माने वर्तमान दारोगा कहते हैं, वर्तमान दारोगा उस समय कोतवाल स्थान स्थान पर कोतवाल नियुक्त करते थे बादशाह ने, तो दोनों कोतवाल थे नवद्वीप के, वहाँ दो कोतवाल थे, तो बहुत दुष्ट थे, अत्याचार व्यभिचार अभिचार कुविचार समस्त पाप कर्म में लिप्त थे, इसको मानते नहीं थे, कोई हरि नाम संकीर्तन करते हैं तो उसको बाधा पहुँचाते थे, नित्यानंद को उनको प्रहार किए, तो महाप्रभु आ गए हैं, आकर के सुदर्शन करके पुकार रहे हैं, सुदर्शन आ गया तेज से, सब घबरा रहे हैं, चरण पकड़ लिए नित्यानंद प्रभु के, महाप्रभु के, प्रभु रक्षा कीजिए, कि नित्यानंद प्रभु कहते हैं ये दोनों पापी है, प्रभु तुम तो करुणामय अवतार, तुम करुणा करके तुम धरा भूमि को पवित्र करने के लिए तुम आए हो, प्रभु इस दोनों पापी को तुम निर्मल करो, इनको क्षमा कर दो, इनको पवित्र कर दो प्रभु अपने कृपा दृष्टि के द्वारा। तो महाप्रभु फिर उन दोनों को क्षमा करके ले गए हैं अपने घर, जा करके सब वैष्णव कीर्तन कर रहे हैं, सब वैष्णव को कह रहे हैं देखो ये दोनों पापी है, आज से परिशुद्ध हो गए हैं, वैष्णव हो गए हैं, आप सब कृपा करो जो ये लोग, ये दोनों सब पाप ताप अपराध से मुक्त हो करके, समस्त प्रवृत्ति से मुक्त हो करके ये निरापराध भजन कर सके, ऐसे कृपा करो। सब लोग हरी हरी कह रहे हैं, हरी बोल हरी बोल हरी बोल, सब आशीर्वाद किए हैं, तो महाप्रभु उन दोनों की कृपा किए हैं जी, कोटि कोटि जन्मेर जत आछे पाप तोर, आर जदि ना करिस तो सब दाय मोर, ये शब्द कहे बोलते हैं, करोड़ों करोड़ों जन्म का तेरा जितना पाप है सब मैं ले रहा हूँ, लेकिन प्रतिज्ञा कर फिर कभी दोबारा ऐसा फूल नहीं होना चाहिए, आज से तुम दोनों पवित्र हो गए हो, निर्मल हो गए हो, साधु हो गए हो, वैष्णव हो गए हो, तुम्हारे सब पाप ताप जन्म जन्म का अनंत काल का जितना पाप राशि है सब हम ले करके हम तुम दोनों को मुक्त कर रहे हैं समस्त पाप से, कोटि कोटि जन्म जो तो आज से पाप तोर, आर यदि ना करिस फिर दोबारा नहीं होना चाहिए, दोबारा अगर नहीं करता है तो उसके सब दाय भागी मैं हूँ। देखते देखते महाप्रभु कालावरण हो गए हैं, गौर वरण, इतना सुंदर वरण, काला हो गए हैं सब, देख रहे महाप्रभु कालावरण हो गए हैं अंदर उनके पाप लेकर के, सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, रो रहे हैं, हाय हाय करुणा माया अवतार, इतना करुणा है, इतना करुणा है, निर्मल तो हो गए हैं, पाप से भी मुक्त हो गए हैं, महाप्रभु आशीर्वाद किए आप, तुम्हारा कोई पाप नहीं है, तुम दोनों पवित्र हो गए हो। देखिए कृपा, कृपा कैसे होती है, आप दोनों का भीतर जलन पैदा हो गया है, हरि नाम कर रहे हैं, 300,000 नाम करते हैं दोनों, सब भूल करके 300,000 नाम करते हैं और रोते हैं, हा 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 हम लोग क्या किए हैं, इतना पाप किए हैं जीवन में, ये क्षमा कैसे होगी, हे प्रभु क्षमा करो, हे दयाल क्षमा करो, जिसको देखते हैं उसके पास जा करके वैष्णव को देख करके उनके चरण में पड़ जाते हैं, रोते हैं पीटते हैं, क्षमा करो दया करो, हम लोग महापापी हैं। एक दिन नित्यानंद प्रभु जा रहे हैं
और दोनों जगाई माधाई, जगन्नाथ और माधव दो भाई, दोनों चरण पकड़ लिए हैं। प्रभु दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, बहुत भारी जलन हो रहा, रो रहे हैं हा 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 करके, हम लोग कितना पापी हैं, कितना अभिचारी व्यभिचारी कुविचारी हैं, प्रभु क्षमा करो, दया करो। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं तुम्हारा पाप तप तो महाप्रभु ले लिए हैं, फिर तुम क्यों रो रहे हो? इतना कृपा तो किसी के प्रति होना संभव नहीं है, कलयुग के जीवों के लिए इतना कृपा प्राप्त करना तो कदापि संभव नहीं है। महाप्रभु करुणामय अवतार करुणा करके तुम्हारे पाप साप ले करके तुम दोनों को पवित्र कर दिए हैं, फिर क्यों रो रहे हो? बोलते हैं प्रभु जलन बहुत भारी जलन हो रहा। ये जब साधक कृपा अनुभव करते हैं तब जाकर के उसके अंदर एक जलन होता है, उस जलन के द्वारा उसका पवित्रीकरण होता है, अंतकरण के शुद्धिकरण होता है। जलन होना जरूरी है। हम लोगों को कोई जलन नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, हम नाम करते हैं और अभिमान करते हैं, हम इतना नाम करते हैं, तो ये जो लक्षण है ये लक्षण ठीक नहीं है। तो बोलते हैं प्रभु ये जलन शांत होने के लिए कोई दवाई बताइए, उपाय बताइए, भीतर में बहुत भारी जलन हो रहा है। देखिए निर्मल कर दिए हैं प्रभु ने सब पाप ताप लेकर के, लेकिन जलन जो है ये होना जरूरी है। इसके द्वारा अंतकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है, पूरे पूर्व जन्म की जितना पाप राशि है उसको जला करके राख कर देते हैं। ये अंतर्दाह, ये जलन, ये जलन होना ये बहुत शुभ लक्षण है। कारण कारण बिना कार्य, मतलब कोई कारण होगा जिससे जलन होती होगी? कारण कृपा, कृपा का मतलब ये नहीं तो धन जन वित्त वैभव पैसा कोड़ी खूब आएगा, हम खाएंगे पियेंगे मस्ती में रहेंगे, हम भजन करते हैं तो ये कृपा होना चाहिए, इसको कृपा नहीं कहते हैं। साधु भजन करते हैं बहुत विषय वित्त वैभव आ रहा है, मान प्रतिष्ठा आ रहा है, ओह बाबा का बहुत वैभव है, बाबा के भजन प्रताप है, अरे ये भजन प्रताप नहीं है, ये माया है, पहचानो, इसको भजन प्रताप नहीं कहते हैं, ये कृपा नहीं कहते हैं। कृपा किसको कहते हैं? हुई डंडा पड़ेगा, उठते बैठते खाते सोते डंडा पड़ेगा, ये है कृपा। उसके द्वारा साधक आगे चलते हैं, सावधान होते हैं, कृपा अनुभव करने में समर्थ होते हैं। कृपा माने मिठाई खाना नहीं, रसगुल्ला खाना नहीं, है ना? तो जिन पर कृपा होती है उसी का अंदर ही ऐसे पश्चाताप होता है, इतना साहस नहीं है। तो दोनों बहुत दुखी होकर के नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये अंतर्दाह, ये जलन शांत होने के लिए कोई उपाय बताइए, किस तरह से ये जलन शांत हो जाए। आप कह रहे हैं तुम लोग निर्मल हो गए हो, तुम लोगों का कोई पाप ताप नहीं है, प्रभु समझ गए हैं, लेकिन मन में बहुत भारी कष्ट हो रहा, कितना अन्याय किए हैं, कितना विचार किए हैं, कितना व्यभिचार किए हैं, प्रभु ये चिंता करके बहुत कष्ट हो रहा है। समझ गए हैं प्रभु बहुत कृपा किए हैं, लेकिन ये जलन शांत होने के लिए कुछ दवाई बताइए, जैसे अंतर्दाह ये कष्ट निवारण हो जाए। तो कहते हैं तुम लोग एक काम करो, गंगा के किनारे में घाट बनाओ, दोनों भाई मिल करके, और वहाँ जितना यात्री नहाने के लिए जाएंगे या नाव से जो यात्री आएंगे उस पार से सबके चरण पकड़ के चरण धूल लेकर के अपने अंग में लेपन करना, और सबसे क्षमा याचना करना, सबसे प्रार्थना करना, तो उनके चरण रज लेकर के अंग में लेपन करना, उसमें तुम लोग उनका जलन शांत हो जाएगा। तो दोनों भाई मिल करके काटवा नामक स्थान है गंगा के किनारे में घाट बनाए, वो घाट का नाम है माधाई घाट, माधव माधाई जो है ना जगाई माधाई, तो उनके नाम से वो घाट बनाए हैं। जितना नाव आते हैं उधर से यात्री आते हैं और इधर जो नहाने जाते हैं वो घाट से सब गंगा स्नान करने जाते हैं, दोनों भाई दो तरफ बैठे रहते हैं और निर्विशेष जो भी जाता है सबको चरण पकड़ते हैं, तुम लोग हमको क्षमा करो, हम महापापी हैं, बहुत अपराध किए हैं और नहीं करेंगे, हमको क्षमा कर दो, बहुत पापी है, जो जाता है सबको चरण पकड़ता है, क्षमा कर दो और कभी ऐसा नहीं करेंगे, महापापी है।
सब सब कुछ तो लज्जित हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, अरे अरे क्या कारण है। निर्विशेष, ये विशेषता नहीं, हम लोग तो एक वैष्णव के चरण में मस्तक झुकाने में लज्जित हो जाते हैं। वैष्णव नहीं सब, जे मोर दासेर सकृत निंदा करे मोर नाम कल्पतरु तहारे संहारे। जे मोर जो मेरे दास का निंदा करते हैं, मेरे नाम रूप कल्पतरु, कल्पतरु मने कल्पतरु भिक्षा के पास जाकर के जो भी जो कुछ मांगते हैं वो दे देते हैं। नाम भी ऐसे कल्पतरु है, नाम के आश्रम में जो रहते हैं उनका सब कुछ भगवान दे देते हैं। नाम रूपी भगवान सब देने के लिए तैयार रहते हैं, सब कुछ दे देते हैं। लेकिन जो मेरे दास जो है उनका निंदा करते हैं, मेरे नाम रूप कल्पतरु उसको नष्ट कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं उसको। प्रेम फल तो बहुत दूर की बात है, उसको कुछ नहीं देते, उसको और अधोगति होती है, नाम दुष्ट हो जाते हैं। तो प्रभु जी कह रहे हैं, तो आपके दास जो है वो कौन है, हम कैसे पहचानेंगे आपका दास कौन है? क्या तिलक कंठी माला लेकर के जो भजन करते हैं वही आपका दास है, ना कि और भी दास है? तो हम कैसे जानेंगे आपका दास कौन है? तो कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड जतो आचे सबे मोर दास, एते के जे परहिंसे सही जाए ना, बोलते उतना विचार करने का जरूरत नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना जीव है सब मेरे दास है, ये जान करके चलो। अनंत कोटि ब्रह्मांड जतो सबे मोर दास, सब मेरे दास है। अद्वेष्ट सर्वभूतानां, कोई प्राणी मात्र सब में प्रभु है जान करके किसी को देश नहीं करना, यह है ना ऐसा। तो हम लोग तो एक वैष्णव के चरण में वो भी विचार करते हैं कि ये गृहस्थी है, ये भजन आनंदी नहीं है, ये तो इतना विचार करते हैं। और यहाँ बोलते हैं ऐसा नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो तो सभी मूर्त, सबसे विनीत प्रार्थना करो, सब सबको प्रणाम करो, सबको दंडवत करो, सब प्रभु के जन है ऐसे मान करके चलो। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानायन, ईश्वर जीव कलाय प्रविष्ट भगवान इति। जीव चैतन्य सत्ता रूप में भगवान ही सबके अंदर विराजमान है जान करके मन ही मन में सबको श्रद्धा करो। और देखिए प्रभु की कृपा प्राप्त हो करके कैसी विनम्रता, निर्विशेष सबके चरण पकड़ते हैं, क्षमा करो हम लोग महापापी हैं, कृपा करो कृपा करो, हमारे मन निर्मल कर दो, तो भक्ति प्राप्त हो जाए। ऐसे वो ऐसा होना चाहिए, ऐसे जब तक मनोवृत्ति नहीं होती है तब तक जाके जो भक्ति रूपी जो भगवान की जो कृपा रूपी नहीं भक्ति है वो उसका अनुभव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभिमानंग शुरापानंग गौरवंग रौरवंग समम प्रतिष्ठा सुखरी विष्ठा त्रयंग त्यक्ता हरिंग बजे। अभिमान शुरापान मदिरा पाई जैसे, गौरव बुद्धि रौरव नरक जैसे, प्रतिष्ठा सुखरी विष्ठा, तो ये तीनों त्याग करके हरि भजन करना, अभिमान गौरव और प्रतिष्ठा, जिस कारण हम लोग हरि नाम करते हुए भी नाम के जो फल प्रेम है वो आस्वादन कर नहीं पा रहे। तो नाम तो सर्वफल प्रदायिनी शक्ति रखते हैं, तो ये बात है। हमारे अंदर बहुत सारे कमियां हैं जिस कारण नाम के जो रस आनंद रूपी रस जो नियम है उसको आस्वादन करने में हम असमर्थ हो जाते हैं। आप बस हो गए हैं उसके ही नहीं, उसमें मैं तो कर रहे हैं
फिर देखिए मंदिर सर भी दिखता है भाई। यहाँ तो आप कुछ करते नहीं घर में सरा दिशा।